राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी के राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई के 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह संपन्न। शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम गुणापुर में आयोजित 7 दिवसीय शिविर का आज समापन हुआ। इस संबंध में प्रोफेसर नरेंद्र सलूजा ने बताया कि आज शिविर के समापन समारोह में मुख्य अभ्यागत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एन के ध्रुवे ने सभी शिविरार्थियों को शिविर के सफल होने पर बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। बता दें कि लोरमी राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को जागरूक करने एवं संसाधन के अभाव में छिपे हुए नन्हे कलाकार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर को आगे लाकर अपनी प्रतिभा दिखा सके, इसके लिए कॉलेज स्टाफ एवं गुनापुर ग्राम वासियों के द्वारा समापन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौरा गौरी महाभारत नाटक का मंचन, राम दरबार नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए एवं भारत की खेल से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सभी शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया। सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। गुनापुर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक रघुनाथ सिंह राठौर ने शिविर के छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिए विश्वास हो गया है कि गांव की जनता नशा मुक्त जागरूक हो जाएगी। प्रोफेसर H.S. राज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को जागरूक करने व्याख्यान दिए। इसके अलावा पीपी लाठिया, प्रोफेसर हेमा आर टंडन, प्रोफेसर अर्चना भास्कर, प्रोफेसर महेंद्र पात्रे, प्रोफेसर विवेक साहू, कार्यालय प्रमुख वीरेंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर मनीष कश्यप, प्रोफेसर गंगा गुप्ता, प्रोफेसर नंदनी, प्रोफेसर गुरुदेव, प्रोफेसर पल्लवी नंदी, श्री रूपेश राजपूत ने भी अपने अपने विचार रखे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर निधि सिंह के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कॉलेज स्टाफ टीम के साथ समस्त गुनापुर के ग्रामवासी मौजूद थे। मैम, कल NSS शिविर का लास्ट दिवस था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा यह NSS शिविर नशा मुक्त समाज और विकसित भारत अभियान को लेकर इस ग्राम पंचायत गुनापुर, जो एक आश्रित गांव है, छोटा सा गांव जहां की जनसंख्या बहुत कम है, चारों ओर नशा होता है, उस जगह पर लगाया गया था। प्रथम दिवस 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हमारी बच्चियों ने रैली, मतदान, मतदाता जागरूकता और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसी दौरान कल का कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां पर सरस्वती जी की वंदना करते हुए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए गए, जिसमें नशा मुक्त समाज से संबंधित सांस्कृतिक संध्या भी हुई। इसके अलावा राम राज्य लाने के लिए नशा छोड़ना जरूरी है, इसलिए इस प्रकार का माहौल बनाने की पूरी कोशिश हमारी शिविरार्थियों ने 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किया, जिसका ग्रामवासियों ने पूर्ण सहयोग दिया। हमें पूरा भरोसा है कि यह प्रेरणा लेकर ग्रामवासी हमेशा आगे बढ़ेंगे और नशा छोड़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट, देखते रहिए CG Vision TV।